हाय फ्रेंड्स, मेरे क्रॉस मर्सी लॉस्टर चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेमपाल सिंह है और हमेशा की तरह एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो उस समस्या से रिलेटेड है कि हम लोग आमतौर पर देखते हैं एक अलग तरह की समस्या हम लोग अमूमन फेस करते हैं कि जब कभी हम मार्केट से कोई खाद्य सामग्री यानी कि कोई खाने या पीने की चीज खरीदते हैं तो हमेशा हमारे मन में इस बात का डाउट रहता है कि कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। और कई बार पता लगने के बावजूद भी कि यदि कोई चीज़ मिलावटी आप खरीदते हैं, कोई खाने या पीने की सामग्री आप खरीदते हैं, तो उसमें मिलावट पता लगने के बावजूद भी आप को पता नहीं होता कि आप किस किस्म से कार्रवाई कर सकते हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने वाला हूँ कि वो कौन सा सेक्शन है भारतीय कानून के अंतर्गत जिसके अंतर्गत आप जो है उन मिलावटखोरों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं और उस सेक्शन को किस प्रकार से कानूनन रूप से परिभाषित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये सेक्शन 272 है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 272। इसके अंतर्गत दिया गया है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, हूएवर अडल्ट्रेट्स यानी आर्टिकल ऑफ फूड और ड्रिंक सो हैज टू मेक सच आर्टिकल नॉक्सियस एज फूड और ड्रिंक इंटेंडिंग टू सेल such article as food or drink or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। yani ki is section ke antargat hum spasht roop se dekhte hain ki ye section ki paribhasha ke antargat ye kaha gaya hai ki jo koi vyakti किसी खाने या पीने की वस्तु को इस मकसद से या आशय से कि वह खाने या पीने की वस्तु इस रूप में बेचे या यह संभावना जानते हुए कि वह खाने या पीने की वस्तु खाने व पीने के लिए बेची जाएगी, उसे इस प्रकार से अपमिश्रित या उसमें मिलावट करेगा कि ऐसी वस्तु खाने या पीने के रूप में अस्वास्थ्यकर या कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाए, तो उस व्यक्ति को उसके खिलाफ दोष साबित होने पर 6 महीने तक की सजा या आर्थिक दंड के रूप में 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या सजा व जुर्माना दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन है ये एक नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन है यानी असंज्ञेय अपराध है और साथ में ये एक बेलेबल सेक्शन है यानी कि जमानती अपराध है। यानी इस किस्म का जो अपराध है वो एक असंज्ञेय अपराध माना जाएगा और साथ में वो जमानती अपराध होगा। तो फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मैं उन व्यूअर्स के लिए कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल सेक्शंस से रिलेटेड, और जिसमें मैंने डिटेल्स बताई है कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध कौन कौन से होते हैं और वो क्या होते हैं। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बारे में, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 272 आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 272 के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उन मिलावटखोरों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो कि खाने और पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सेक्शन और जिस प्रकार से वो परिभाषित किया गया है समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये उम्मीद तो आपसे करता हूँ कि आप कम से कम इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको पसंद आती है तो। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सचेत रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।